हेलो फ्रेंड्स, सपना क्राफ्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये जो मैंने प्राइज विनिंग बूटी आपको मैंने दिखाई थी, इसकी एक मैं अलग नई लुक में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। बेसिक चीज़ सेम है, बस थोड़ा सा उसको हमने कैसे डेकोरेट किया है ये मैं आपको बताऊँगी। ये हमने इसको डिफरेंट लुक दी थी, इसमें मैंने पॉम पॉम लगाए थे और ये थोड़ी सिंपल सी लुक है। ये वाली जो बूटी है ये मैंने थोड़ी ऑर्नामेंटल सी बना दी है, स्ट्रॉबेरी की लुक दी है। इसमें मैंने क्रॉचेट से ये लीफ बनाए हैं और वो मैंने लगा दिए हैं और थोड़ी स्ट्रॉबेरी की मैंने ये लुक दी है। तो ये कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन था वो ये जो रिब्स आप देख रहे हैं ये मैंने कंट्रास्ट कलर में यूज़ करी थी, बीच में वही बेसिक कलर यूज़ किया था। और इसमें जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन था वो एक कलर का है और जो नीचे वाला आगे का फ्रंट पोर्शन है बूटी का ये टोटली कंट्रास्ट कलर का है। इसमें रिब्स भी मतलब जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो मैंने कंट्रास्ट कलर में बुना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सेम है कुछ, बहुत ज़्यादा क्या कुछ भी वेरिएशन नहीं है। बस वही है कि इसमें मैंने जो कलर थे वो जो कंट्रास्ट कलर था वो बाद में लगाया था और इसमें मैंने पहले लगा दिया है और टोटली वो पूरा एक कलर का बुना है। तो इसमें क्या किया मैंने, वैसे ही 30 फंदे डाल दिए, फिर 60 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी बुनी, 30 स्टिचेस कास्ट ऑन किए, 60 सिलाइयाँ 60 रोज मैंने गार्टर स्टिच में बुनी, 60 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी बुनी, फिर आगे के मैंने 15 फंदे जो हैं वो बंद कर दिए, कास्ट ऑफ कर दिए, और जो नेक्स्ट 15 फंदे थे उस आगे के उनको मैंने सीधा बुन दिया। अब नेक्स्ट रो हम कैसे बुनेंगे ये मैंने फिर से एक बार आपके सामने, जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको सारी रिटर्न डिस्क्रिप्शन दी थी, फिर से मैं आपके सामने ये रखी हुई है, मैंने फिर से मैं सारी ये रिपीट कर दूंगी। तो अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट रो हम पूरी की पूरी उल्टी बुनेंगे और इसमें हम जो है वो कलर चेंज कर देंगे। तो अब मैं ये कलर जो कंट्रास्ट कलर है वो यूज़ करने वाली हूँ। ये हम पर्ल करेंगे रो और ये कंट्रास्ट कलर मैंने, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी बना की शेप में बना रही हूँ तो इसमें मैंने रेड कलर यूज़ किया है। इस तरह हम पूरी की पूरी रो जो है वो पर्ल कर देंगे। ये मैंने पर्ल कर दी। अब नेक्स्ट रो मैं फिर निट करूँगी। पर्ल मींस मैंने पहली सिलाई जो थी वो पूरी की पूरी उल्टी बुनी है, अब मैं दूसरी सिलाई जो है वो सीधी बुनूंगी, निट करूँगी। दूसरी सिलाई मैंने सीधी बुन दी। अब जो तीसरी सिलाई है वो मैं फिर से उल्टी बुनूंगी और ये जो मेरा ये दूसरा पहले वाला कलर था इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, क्योंकि अब हम पूरा का पूरा जो है वो रेड में बुनना है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी थर्ड रो जो है वो मैंने पर्ल कर दी, उल्टी बुन दी।
अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से पहली तीन सिलाइयां रिपीट करेंगे, पहली सिलाई उल्टी बुनेंगे, ये जो चौथी सिलाई है ये फिर से पहली वाली सिलाई की तरह उल्टी बुनेंगे। फिर जो पांचवी सिलाई है वो दूसरी वाली सिलाई की तरह सीधी बुनेंगे। ये पांचवी सिलाई दूसरी वाली सिलाई की तरह मैंने सीधी बुन दी और जो छठी सिलाई है वो तीसरी वाली सिलाई की तरह पूरी मैं उल्टी बुनूंगी, पर्ल करूंगी। ये पूरी की पूरी रो जो है वो मैंने पर्ल कर दी। अब हमारी ये छह सिलाइयाँ डल गई हैं। अब ये पूरा जो ब्लॉक है वो आठ सिलाइयों का है, तो सिक्स रोज हमने डाल दी हैं, छह सिलाइयाँ बुन दी हैं। अब सातवीं और आठवीं मैं बुनूंगी। पूरा का पूरा ब्लॉक हमारा जो है वो आठ सिलाइयों का है, तो छह हमने डाल दी हैं, अब दो मैं और बुनूंगी। तो ये सातवीं सिलाई जो है वो भी मैं सीधी बुनूंगी, निट करूंगी। ये मेरी हमारी सात सिलाइयां जो हैं वो कंप्लीट हो गई। अब ये इस ब्लॉक की आठवीं सिलाई मैं डाल रही हूँ, ये भी निट करूंगी। ये आठ सिलाइयों का एक पूरा ब्लॉक बन गया है। तो फ्रेंड्स, ये आठ सिलाइयों का पूरा ब्लॉक मेरा बन के तैयार हो गया है। अब यही आठ सिलाइयां मैंने आठ बार और बुननी है। ये आठ सिलाइयां जो मैंने आपके सामने अभी बुनी हैं, ये आठ बार मैं फिर से बुनूंगी और उसके बाद मैं पहली, दूसरी और तीसरी सिलाई जो है फिर बुनूंगी। तब ये हमारा पूरा लेंथ कंप्लीट होगी, जो ये आगे का पोर्शन है। उसके बाद जो है वो हम फंदे जो है वो बंद कर देंगे, कास्ट ऑफ कर देंगे। तो मैं ये आपको पूरा कंप्लीट करके अभी दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो लीजिए, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, ये नीटिंग वाला पोर्शन। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सिलने का हमारा जो है वो रह गया है। तो जैसे मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसको क्या करेंगे, ऐसे हाफ पे फोल्ड कर देंगे और इसको यहाँ पे इसके साथ मिला देंगे। फिर इसको हम 90 डिग्री में ऐसे को सिल देंगे। फिर ऊपर हम गैदर्स डाल देंगे, नीचे भी गैदर्स डाल देंगे, चुनटे डाल देंगे, ऊपर भी चुनटे डाल देंगे। फिर उसको हम पक्का करके सिल देंगे। तो अब मैं आपको सिल के ये दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स, ये मेरी बूटी जो है वो सिल के बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गई है। अब इसमें हमें थोड़ा सा इसको डेकोरेट करने का इसका जो काम रह गया वो मैं करने वाली हूँ। इसमें मैंने ये क्रोचेट से मैंने ये लीफ्स बनाए हैं, इसके ये रखूँगी, इसके लगाऊंगी इसके ऊपर ऐसे, जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम बटन लगा सकते हैं, कुछ पॉम पॉम लगा सकते हैं, कुछ और भी लगा सकते हैं। इस बार मैं जो है वो ये लीफ लगा रही हूँ। फिर ये जो इसकी ये रिब्स हैं, यहाँ पे मैं इस पे जैसे इस बूटी में मैंने ये लगाए हैं बीड्स, ये लगाऊंगी। ये बीड्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे, किसी भी शॉप में आसानी से मिल जाते हैं, ये वाले मैं बीड्स लगाऊंगी। फिर ये कंप्लीट एक लुक इसमें स्ट्रॉबेरी जैसी आ जाएगी, ये जैसे इस बूटी की लुक है ये,
वैसे ही इस बूटी में आ जाएगी। तो मैं अब इसमें ये लीव्स लगा देती हूँ और मैं ये जो बीड्स हैं ये लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स लीजिए ये प्राइज विनिंग बूटी की न्यू लुक न्यू फॉर्म। ये मैंने स्ट्रॉबेरी लुक दी है इसको, इसमें मैंने क्रॉचेट से मैंने लीव्स बुने हैं वो लगाए हैं और कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट और स्टाइल डिफरेंट है इसमें। वैसे बेसिक पैटर्न जो है वो सेम है, तो ये अब आपकी चॉइस है जो आपको अच्छी लगती है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से बुन दीजिए। अब मैं आपको एक क्विकली जो है वो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ जो पैटर्न है। वैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको अच्छे से बताया था, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, 30 फंदे डालेंगे, 30 स्टिचेस को हम कास्ट ऑन करेंगे, 60 सलाइयाँ हम सीधी सीधी बुनेंगे, 60 रोज को गार्टर स्टिच में बुनेंगे और पहले हम 15 फंदे जो है वो फिर बंद कर देंगे, कास्ट ऑफ कर देंगे 15 स्टिचेस। फिर बाकी के जो 15 फंदे रहेंगे उन पे हम काम करेंगे, उनको हम सीधा बुन देंगे। उसके बाद हम कलर चेंज कर देंगे, रंग बदल लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब हम कलर चेंज करने के बाद जो फर्स्ट रो हम बुनेंगे वो हम उल्टी सिलाई, जो पहली सिलाई बुनेंगे वो उल्टी बुनेंगे, दूसरी सीधी बुनेंगे, तीसरी फिर उल्टी बुनेंगे, फिर चौथी से छठी सिलाई जो है वो पहली से लेकर तीसरी तक रिपीट करेंगे, उल्टी सीधी उल्टी। फिर छठी सिलाई तक जब हम बुन लेंगे तो जो हमारी सातवीं और आठवीं सिलाई है वो हम सीधी सीधी बुनेंगे। तो ये जो आठ सिलाइयों से एक हमारा ब्लॉक बन जाएगा, इन आठ सिलाइयों को हम फिर से आठ बार और रिपीट करेंगे। उसके बाद पहली दूसरी तीसरी सिलाई बुनकर हम फंदों को बंद कर देंगे, कास्ट ऑफ कर देंगे। तो उसके बाद मैंने कैसे इनको सिलना है वो डिटेल में अपनी वीडियो में मैंने रख के आपको बताया है। और उसके बाद हम आपकी जो भी चॉइस है, आपको पॉम पॉम लगाना है, ऐसे डेकोरेट करना है, वो टोटली आपकी चॉइस है, आप जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं। और रही बात ये जो मैंने लीव्स बनाए हैं क्रॉचेट से, ये मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में ज़रूर मैं सिखाऊंगी क्रॉचेट से हम छोटे छोटे मोटिव्स जो है वो कैसे बना सकते हैं, फिर उन मोटिव्स को हम कैसे हम यूज़ करेंगे निटिंग में वो मैं सिखाऊंगी, और जो मेन एम्ब्रॉयडरी के स्टिचेस हैं वो भी बताऊंगी, ताकि हम अपने जो निटिंग है उसको और भी अट्रैक्टिव बना सकें। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए, और जाने से पहले मैं फिर बोलूँगी आपको कि आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और अपने जो आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, फीडबैक है, वो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें। थैंक यू वंस अगेन।